भारत का लोकतंत्र प्राचीनतम लोकतंत्र है। जब हम इतिहास को देखते हैं तो हमें लगता है कि कितने वर्षों पहले वेद से लेकर और कितने ही कार्यकाल रहे हैं, हर कार्य के अंदर हमारे जीवन की शैली के अंदर लोकतंत्र रहा है, हमारी परंपरा में लोकतंत्र रहा है, हमारे निर्णयों में लोकतंत्र रहा है। और इसीलिए आज भारत का लोकतंत्र सबसे बड़ा भी है, सबसे मजबूत भी है, निर्णायकदार भी है, और हमने लोकतंत्र की शक्ति और ताकत को दुनिया को बताने का काम किया। आज अगर हमारी सबसे बड़ी ताकत है तो ये भारत का नौजवान है, अगर हमारी सबसे बड़ी ऊर्जा है तो ये भारत का नौजवान है। इस विकसित भारत को बनाने का सपना पूरा कौन करेगा? तो भारत का नौजवान पूरा करेगा। जो कुछ भी भारत में परिवर्तन हुआ है, चाहे विज्ञान में हुआ, टेक्नोलॉजी में आओ, वह सब परिवर्तन युवाओं ने किया है। हमारे यहां सामाजिक क्रांति का बदलाव किया तो युवाओं ने किया, राजनीतिक रूप से बदलाव किया तो युवाओं ने किया, हमारी लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी तो युवाओं ने लड़ी। बदलते हुए देश के अंदर चाहे टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, चाहे बदलते भारत में अर्थव्यवस्था में हो, सामाजिक क्षेत्र के अंदर हो, नवाचारों के अंदर हो, आज दुनिया के अंदर अगर बदलते भारत की तस्वीर बन रही है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे देश के नौजवानों का है। और ये युवा शक्ति है जिन्होंने इस राष्ट्र को हर क्षेत्र में प्रगति के नए आयाम खड़े किए हैं। आज इस बदलते महत्वपूर्ण दौर में जब हम 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं, हमारा संकल्प है कि दुनिया के अंदर हमारे नौजवानों की बौद्धिक और ऊर्जावान शक्ति के माध्यम से हम दुनिया के अंदर विश्वगुरु होंगे।